उसका सम्मान करेंगे। ये विरासत यही है कि हम अपने धामों को, अपने तीर्थों को, अपने आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। और विकास वही है जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईएम, एम्स, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये विकास है। विकास के बारे में अभी मुकेश राजपूत भी बोल रहे थे और सत्यपाल सिंह राठौर भी कह रहे थे कि हमें फोर लेन से जुड़ना है। हमने कहा आपका काम हो गया, चिंता मत करिए, सब काम तो धड़ल्ले से होते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता जनता जनार्दन की, चिंता जनप्रतिनिधि करे, और सुरक्षा और विकास की चिंता हम लोग लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके कर लेंगे। बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है यूपी में या देश में, ये केवल और केवल मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, ये जो पूरा भारत है आज, बहनों और भाइयों, इस पूरे भारत के अंदर आज जो बदली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर के नेतृत्वकर्ता हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए मिशन रोजगार के माध्यम से नौकरी प्रदान कर रहे हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। आप सोचो, अरे शरम आनी चाहिए, राम का विरोध करने वालों को इनको पूछना चाहिए। भगवान राम का समय, राम राज्य का समय है, और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट जिहाद की बात करते हैं। आप सोचो, भारत क्या शरीयत और जिहाद से चलेगा क्या? भारत को तो हमें संविधान से चलाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता के लिए, विरासत और विकास के कार्य को एक बढ़ाने के लिए, उनके समय में गरीब भूखा मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, दम तोड़ते थे। और बहनों और भाइयों, आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, 5 लाख रुपया हर साल। और हमने यूपी में एक व्यवस्था और कर रखी है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग कहते हैं वो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष, कोई पूर्व सांसद, या फिर पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि बीमार है, उपचार नहीं करा पा रहे हैं, तो हम कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज के कहते हैं जाओ अपना उपचार कराओ। बहनों और भाइयों, किसी अपने प्रदेश के नागरिक के साथ उसके सुख दुख में सहभागी बनना, ये तो हमारे जीवन का ध्येय है, और ये हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसका एक ऋण है हम पर कि उसने इस सरकार को बनाने में अपना आशीर्वाद दिया है, तो वह ऋण चुकता करने का काम उसके अकाउंट में पैसा भेज करके हम करते हैं कि नहीं, आप अपना उपचार कराइए, चिंता सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक गरीबों के लिए जितना पैसा आता था,
ये जितने महाभारत के रिश्ते इनके परिवार में है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई और भी मामा है, कोई कुछ और भी है, तमाम रिश्ते हैं, सभी जो रिश्ते इसमें चुनावी लड़ रहे हैं, ये सभी हड़प जाते थे। नौकरी आती थी, कोई चाचा कहीं निकल रहा है, कोई भतीजा कहीं झोला लेके निकल रहा है, और नौजवानों की नौकरी को ही हड़प जाते थे। और तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने 2014 में मोदी जी को चुना और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाने वाला जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को हम लोग वापस लेकर के उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है बहनों और भाइयों? इसकी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा इनकी तो ये है कि जो इनके गले के हार थे उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, ये लोग किसानों की रकम को हड़प जाते थे, ये बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे। और आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इलाहाबाद के विधायक राजू पाल की किस निर्ममता के साथ हत्या हुई थी, और हत्यारों को इस सपा की सरकार बचाने का कार्य कर रही थी। कैसे सर्वे कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। और बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त नहीं करती है, वहीं अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के घर में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए हुए थे। ये माफिया समर्थक है, ये माफियाओं की पैरवी करते हैं, वे माफिया जो गरीबों का खून चूसते हैं उन माफियाओं का ये लोग पैरवी करते हैं, तो इनसे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं आप? इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये गरीब कल्याण हो या विकास, सुरक्षा हो या सम्मान, विरासत हो या विकास, ये केवल और केवल भाजपा कर सकती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक ही लहर है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए आप सबको मुकेश राजपूत बनना पड़ेगा 13 मई तक। सहमत है? बनेंगे, सबको बनना पड़ेगा, मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, और घर घर जाकर के लोगों को हमारी अपील सुनानी पड़ेगी कि देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का, आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प केवल भाजपा का है, ये कांग्रेस और सपा के लोग तो उधर सोच भी नहीं सकते। इनके लिए सत्ता इसलिए चाहिए जिससे कांग्रेस के लोग या सपा का परिवार अपने परिवार के लोग धन धान्य से पूर्ण कर सकें, और भाजपा को सत्ता इसलिए चाहिए जिससे आपका वर्तमान भी सुधरे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्ज्वलमय हो, मंगलमय हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कर रही है, और उस विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आप सभी सहमत हैं ना? भारत विकसित होना चाहिए ना, आत्मनिर्भर होना चाहिए ना, और आत्मनिर्भरता के लिए आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। सहमत हैं? घर घर जाएंगे मतदान के दिन, पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग सहमत हैं?
आपने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया, अब लोकसभा चुनाव में उससे ज्यादा वोटों का आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी का होगा ना। तो बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद फिर मैंने कहा है सत्यपाल सिंह राठौर से भी और मुकेश राजपूत से कि मैं आऊंगा यहां की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए। तो उसके लिए अभी से तैयारी करिए और मुकेश राजपूत को इतने भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए कि जो जेहाद की वकालत करने वाले लोग हैं इन सब की जमानत जब्त हो जाए और आगे से चुनाव लड़ना ही ये लोग भूल जाए। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।